मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जनपद पंचायत ग्यारसपुर जिला विदिशा की ग्राम पंचायत धोकेड़ा में शासकीय माध्यमिक स्कूल धोकेड़ा में एक साल पूर्व हुए निर्माण में छत पूरी तरह से टपक रही है। स्कूल के शिक्षकों ने बताया कि जब तेज बारिश होती है तो पूरी तरह छत में धार लग जाती है। बच्चे कक्षा में बैठ नहीं पाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार अधिकारी इस बिल्डिंग का निरीक्षण कर चुके हैं मगर सब आते हैं और चले जाते हैं, करते कुछ भी नहीं। तो कह सकते हैं कि ग्रामीणों को कहीं ना कहीं अधिकारियों के ऊपर से विश्वास उठने लगा है, जिसका जीता जागता सबूत धोखेड़ा के माध्यमिक स्कूल का है। दूसरा मामला ग्राम पंचायत धोखेड़ा के अंतर्गत आने वाले रईस नगर का ग्राम है, जहां पर प्राथमिक शाला में छत के नीचे पन्नी बंधी हुई है। बच्चे कीचड़ से होकर स्कूल पहुंच रहे हैं। ग्राम पंचायत की लापरवाही और ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ता विहीन कार्य और इंजीनियर के द्वारा पास किए गए स्कूल निर्माण एक माह का पानी नहीं झेल पाया और छत टपक रही है। कहीं न कहीं निर्माण कार्य में की गई लापरवाही इंजीनियर और ग्राम पंचायत की दिखाई दे रही है, जिसकी सजा स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं और बारिश के मौसम में स्कूल में नहीं बैठ कर पढ़ पा रहे हैं। कुरवाई से आशीष पठारी की रिपोर्ट। बनी के नहीं बनी भाई बाउंड्री वाला अभी तक बाउंड्री बनती रही, पेड़ का खेल के ले जाती आदमी। अच्छा, हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।